हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका डी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही हेल्दी और यूनिक रेसिपी, और वो है अखरोट की बर्फी। अखरोट की रेसिपी को घर में बनाना बहुत ही आसान है, इसको कोई भी आसानी से घर में बना सकता है। तो आप इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है और आपको कुछ नया भी सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल बटन भी ऑन करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये कुछ अखरोट, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो अंदर का जो पार्ट है उसको हमने निकाल लिया है और इसी की हम आज बर्फी बनाने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने निकाल दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले हम इसको भून लेंगे, तो हमें बिना घी के इसको भून लेना है। अच्छे से गर्म हो चुके हैं, तो ये जो अखरोट है तो मैं इसको भून लूँगी। तो हमें इसको बिना घी के ही भून लेना है। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा बादाम और काजू भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी हेल्दी ये बर्फी बन जाएगी। जो अखरोट है भून चुके हैं, तो इसको गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इस अखरोट को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी यहाँ पे मैंने 4-5 चम्मच ली है और घी को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। और घी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल बेसन का आटा। और बेसन के आटे को हम भून लेंगे अच्छे से। गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अखरोट। तो अखरोट मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और ऊपर को ऊपर से हम लगाने के लिए, जो बर्फी हम बनाएंगे उसके ऊपर के लिए लगाने के लिए हम थोड़े सा ये अखरोट रख रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम गैस को बंद कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसकी हम बर्फी बनाएंगे। अब मैंने एक थाली में निकाल दिया है और थाली को मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है, तो इसको अब हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही मिश्रण गर्म है, तो इसको हमें फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। तो आपको बर्फी की जितनी थिकनेस चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही गर्म है, तो यहाँ पे जो मिश्रण है इसको मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको ऐसे गोल सर्कल बना दिया है। इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा अखरोट जो है तो हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, इसको मैं अब फ्रिज में रख दूंगी ठंडा। ये मिश्रण ठंडा हो चुका है और इसको मैंने बर्फी का शेप भी दे दिया है। यहाँ पे मेरी बहुत ही यूनिक और हेल्दी अखरोट की बर्फी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1/2 बाउल सूजी भी ऐड की थी, तो वो शूट करना मैं भूल गई थी, तो इसमें हमें 1/2 बाउल सूजी भी ऐड कर लेना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।